हाँ मुन्ना, हम एक लोकेशन भेज रहे हैं, शान वहीं मिलेगा। देखते ही खत्म कर दो उसे और बच्ची को सही सलामत घर ले। ओके। हमने आज तक ऐसी ऊंची हरकत कभी नहीं की, लेकिन आज ये करवाना जरूरी हो गया है क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अब हमारी और अस्मिता जी की कहानी शुरू करने के लिए शान की कहानी का किस्सा खत्म होना बहुत जरूरी है। जस्ट होप शान और कृषि दोनों सही सलामत हो और जल्दी वापस मिल जाए। बस बेटा, अब जल्दी ही ठीक हो जाओगे। हाँ, क्या हुआ डॉक्टर? बच्ची को बहुत तेज बुखार है। लेट मी चेक हर अगेन। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। पापा यहीं हैं, टेंशन मत लेना। मामा, प्लीज आ जाओ मामा, मामा प्लीज मेरे पास आ जाओ मामा। मिस्टर शान जी, अब जल्द से जल्द बच्ची की मम्मा को बुला दीजिए। वो कब से मम्मा मम्मा बुला रही है? माँ, मुझे लगता है कि बच्ची की माँ के आने से ही बच्ची की तबीयत में जल्दी सुधार आएगा। बच्चे चाहे कितनी भी तकलीफ या दर्द में क्यों ना हो, वो हर उस चीज का इलाज अपनी माँ के पास ही ढूंढते हैं। इस उम्र में माँ के प्यार से बढ़कर और कोई दवा ही नहीं होती। माँ बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है। सो प्लीज अब जल्द से जल्द उन्हें बुला लीजिए। थैंक यू। तुरंत घर वापस लेकर आओ प्लीज यार। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ तुम्हारे सामने। इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ मैं? कैसे दूर रख सकता हूँ मैं कृषि को उसकी माँ से? बचाने भी कैसे दे सकता हूँ उसे, क्योंकि अब मैं कभी नहीं खोना चाहता अपनी बच्ची कृषि को। तुम उधर जाओ और तुम उस तरफ। हेलो, हम लोग पहुंच चुके हैं सर। हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, वो शान का बच्चा कहीं भी हो हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। जी सर। मुझे लगता है कृषि बहुत तकलीफ में है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूं, खुद उसे लेने जाती हूं।
शाहद बेटा, एक आखिरी बार इस घर को मुड़कर देख लीजिए। भर लीजिए इसे अपनी आंखों में। याद रखिएगा, यही वो जगह है जहां आपका जन्म हुआ, जहां आपने अपना बचपन गुजारा, जहां आपके पापा बहुत प्यार से पले बढ़े। शान, ये फैसला मत लीजिए। ये घर, ये शहर, ये देश छोड़कर मत जाइए। कृषि, कृषि के बिना रह पाएंगे आप? सीखना पड़ेगा मम्मा। अब नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख पाऊंगा। अगर मैं यहां रहा तो कृषि जिद करकर मुझसे मिलने आ जाएगी, और अब अगर हमें नहीं मिलना है तो मेरा यहां से जाना जरूरी है। मुझे कहीं नहीं जाना मम्मा। मुझे पापा के पास ले जाओ ना प्लीज मम्मा। आप मम्मा से प्यार नहीं करती? करते हो ना? तो बस आप ऐसी कोई जिद नहीं करोगे जो मम्मा पूरी नहीं कर सकती। प्लीज कृषि, आप जो चाहती है वो पॉसिबल नहीं होगा। मम्मा, I'm so excited, Mama, कि हम अपने नए घर में जा रहे हैं। मैं आपको वहाँ साहब से मिलवाऊंगा। चलें स्मिता जी, जिंदगी की नई शुरुआत करने। क्या हुआ स्मिता जी? चले आइए। एक मिनट मिस्टर शेखावत। हेलो अस्मिता, अस्मिता शान जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए कोलकाता छोड़कर जा रहे हैं। वो अब नहीं रुकेंगे अस्मिता, प्लीज प्लीज उन्हें आकर रोक लीजिए। वो सबसे दूर अकेले नहीं रह पाएंगे। अगर आपको एक बार भी ऐसा लगता है कि आपको शान को रोकना चाहिए तो प्लीज अस्मिता आ जाइए। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन लेकिन बताना हमारा फर्ज है। मामा मैं बेटा, आप मम्मा बता के गई थी वो कहाँ जा रही हैं?
अस्मिता जी, ये दोनों यहां? क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूं मिस्टर शेखावत? ऑफ कोर्स अस्मिता जी, आप जो चाहे मांग सकती हैं। मैं जानती थी आप कुछ ऐसा ही कहेंगे, इसलिए मैं इन्हें यहां लेकर आई। ये दोनों अब हमारे साथ ही आएंगे। मिस्टर शेखावत, क्योंकि इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, शान चाहत को लेकर कोलकाता ही नहीं देश छोड़कर चला गया हमेशा हमेशा के लिए। मौसमी बुआ भी अपने ससुराल चली गई, अब मिस्टर शेखावत इनका कोई नहीं है। ये मेरी माँ जैसी है और मोनी बेटी जैसी। मैं फिर इन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? और नए रिश्ते तो जरूर बनाए जाते, पर इससे हम पुराने रिश्ते तो नहीं भूल सकते ना। उन्हें साथ लेकर चलना ही जिंदगी है। मिस्टर शेखावत, आई मीन, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या ये हमारे साथ चल सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं? जरूर अस्मिता जी, रह सकते हैं। In fact, I'm proud of you. आपकी इन्हीं बातों की वजह से ही तो हमें आपसे इतनी मोहब्बत हुई है। जी, आपने कुछ कहा? क्या कहें अस्मिता जी, आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम। बहुत बड़ा दिल है आपका। आइए चलते हैं। स्वागत है आप सभी का शेखावत भवन में। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सब लोग अपनी बहू का इंतजार कर रहे हैं। आइए। आइए स्मिता जी। मिस्टर शेखावत, वो कृषि और निर्वाण? आप बेफिक्र रहिए, नीवी जी के साथ हैं, आ जाएंगे। आइए अंदर चलते हैं। सच पूछे तो हम भी बहुत सरप्राइज हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये हंगामा किस बात का? हंगामा तो होगा। बोधू बोरान जो है हमारे शेखावत खानदान की एकलौती बहू का गृह प्रवेश जो हो रहा है, बेशी सुंदर। स्मिता जी। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले हमें आपकी नजर तो उतारने दीजिए, वरना पता नहीं
इस भीड़ में किसकी नजर आपको लग जाए? ममो, आप जानती हैं ना कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। आप बस इतना समझिए कि अगर आपके बाद हमारी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट है तो वो अस्मिता जी हैं। हम आपके लिए जान दे सकते हैं तो अस्मिता जी के लिए जान दे भी सकते हैं। प्यार करते हैं अस्मिता जी से हम। बाकी बात रही आपके सवालों के जवाब की मम्मू, तो अस्मिता जी के पास से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप तो जानती हैं कि हमारा भी अतीत रहा है, और ये भी जानती हैं कि अस्मिता जी से हमारे प्यार की जो वजह है वो भी हमारे अतीत से जुड़ी है। ठीक है, आपकी मर्जी। आपकी खुशियों में हम भी अपनी खुशियां तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एक बात जानते हैं, इस घर में वही होता है, वैसा ही होता है जैसा हम चाहते हैं, और हमारे तौर तरीके से अगर चीजें ना हो तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं मम्मू, इसलिए तो आपके लिए बंगाली बहू लेकर आए हैं जो बिल्कुल आपकी तरह है। मम्मू, हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से आपने इस घर को संभाला है ना, उसी तरह से अस्मिता जी भी इस घर को संभालेंगी। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, और आप हैं तो वैसे भी कुछ बिगड़ नहीं सकता। हेलो मम्मू। और कितनी देर वेट करना पड़ेगा? ऐसे कोई किसी का स्वागत करता है क्या? हम सबको यहाँ देखकर मम्मू थोड़ा शॉक हो गई होगी। मिस्टर शेखावत गए ना उनसे बात करने, सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज परेशान मत होइए। एक्चुअली मेरे लिए भी नहीं, नया और अजीब है जितना आपके लिए। मम्मा कितना बड़ा घर है, कश्यान पापा भी हमारे सोते थे। कृषि, आप मैम, आपको मम्मा ने ऊपर उनके कमरे में बुलाया है। जी जी। अब मैं आती हूँ, आप वेट कीजिए। हाँ है क्या ये चीज मम्मू? जैसी दिखाई देती हैं वैसी है नहीं। बिल्कुल सही कहते हैं, पैसा आ जाने से क्लास नहीं आती। कितनी खड़ूस है देखो तो, हमें यहां बिठाकर अपने रूम में चली गई। हाउ रूड इज दैट। ये मम्मू कैरेक्टर हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। अस्मिता के पीछे पीछे जिस मकसद से हम मौनी को लेकर इस घर में आए हैं, ये मम्मू कहीं उस प्लान में रुकावट न डाल दे। बैठिए। आप चाहें तो फिर से पैर छू सकती हैं हमारे। जीती रहिए, सदा सुहागन रही। आइए। यह
ये हमारे पुश्तैनी कंगन है। ये सिर्फ कंगन नहीं, शेखावत खानदान की शान जुड़ी है इससे। संभाल के रखिएगा। हमारे रिवाज के हिसाब से आपको दो प्रकार की बंगाली मिठाई बनानी है, अम्मी बंगाली, तुम्ही बंगाली। और हम हमारे बहू से, हमारे बेटे बहू की नई जिंदगी की शुरुआत हम अपनी रीति रिवाज से करवाना चाहते हैं। ये ही रीति रिवाज हम आज तक फॉलो करते आए हैं। आपको 1001 रसगुल्ला और खीर कदम बनाना है। और उसके बाद हम पहले मिठाई का भगवान को भोग चढ़ाएंगे। अब आप शुरू हो जाइए। ऑल द बेस्ट जी। मम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या है, आप बिना नहाए यहाँ कैसे आ गई? कैसे संस्कार दिए हैं आपने इसे? आपने इसे सिखाया नहीं कि किचन में यहाँ जहाँ भगवान का भोग बनाते हैं वहाँ बिना नहाए नहीं आते? बहुत बिगड़ी हुई है ये। मम्मू बच्ची है, जरा संस्कार नहीं। अस्मिता ए शॉप ना चालबे। आप जानते हैं कि इस घर के कुछ नियम है, असूल है, कायदे कानून है, जिसे बड़े बूढ़े बच्चे सबको निभाना होता है। और इसमें जरा सी भी चूक हुई ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रसोई में बिना नहाए किसी को आने की इजाजत नहीं है जी। कृषि, अम्मो ने जो कहा उसे हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं ना आपके लिए फ्रेश कपड़े निकालती हूँ और आप जल्दी से रेडी होके आ जाइए। ओके मम्मो, मैं आती हूँ। चलो। आपको अपनी औलाद का मोह कम करना होगा अस्मिता, तभी इस घर के और हमारे विकी के करीब हो पाओगी। निर्वाण के अलावा हमें इस घर में एक और वारिस चाहिए अपने बेटे से। वो आप ही को देना होगा, और वो आप तभी दे पाएंगी जब आप अपना अतीत भुलाकर सारा ध्यान हमारे बेटे पे केंद्रित करें, और हम ये पॉसिबल करा के रहेंगे। ये रहे आपके कपड़े, चलिए नहा लीजिए। कम ऑन, जाइए। जा नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम ये क्यों है मम्मा, ये हमारा घर नहीं है। देखो मम्मो ने कितने जोर से मेरा कान पकड़ा था। अगली बार अगर उन्होंने ऐसा किया ना तो मैं उनके हाथ को काट लूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कृषि वो बस चाहती है कि हम इस घर के कायदे कानून का पालन करें। इसमें गलत क्या है? हो सकता है कि उनकी बात करने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगा हो। सबका अपना अपना तरीका होता है ना बात करने का। वो बड़ी है कृषि, हमें ना उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फिर मैं तो हूं ना आपके साथ। जब आपके साथ आपकी मम्मा है तो फिर आपको टेंशन किस बात की? नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सजा मिली हो। कृषि ऐसे नहीं बोलते, ये हमारा घर है और ये हमारी फैमिली है। पर मुझे अच्छा नहीं लगता। शुरू शुरू में ना नई जगह पर परेशानियां होती है, फिर बाद में ना सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ ही दिनों में ना आपको यहाँ अच्छा भी लगने लगेगा और मम्मो है ना आपसे प्यार भी करने लगेगी, देख लेना। वैसे भला कोई हमारी कृषि से प्यार किए बिना रह सकता है? मैं तो नहीं रह सकती। चलिए अब नो मोर क्वेश्चंस। आप तो मम्मा की समझदार बेटी है ना, तो कम ऑन जल्दी जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आती हूँ।
जल्दी करना। कान्हा जी प्लीज मुझे और मम्मा को वापस शान पापा के पास ले चलिए ना, यहाँ नहीं रहना मुझे। हाँ मम्मा कुछ भी बोले, मम्मा को भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। प्लीज कुछ कीजिए ना कान्हा जी प्लीज।